बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है कि IUGR को हम डॉपलर सोनोग्राफी डॉपलर पर कैसे देखते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड उसका किस तरह करते हैं। फीटल डॉपलर जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल है IUGR को देखने के लिए। नॉर्मल एम्ब्लाइकल आर्टरी जो है उसकी जो पीक सिस्टोल जो है वो ज़्यादा होती है, और ड्यूरिंग डायस्टोल जो है मेंटेन करता है कंटिन्यूस फॉरवर्ड फ्लो को, डिक्लाइन कर देता है ड्यूरिंग डायस्टोल और मेंटेन करता है कंटिन्यूस फॉरवर्ड फ्लो को। जैसे ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल वेलोसिटी वेव फॉर्म है अम्बिलिकल आर्टरी की थर्ड ट्राइमेस्टर में, ये नॉर्मल है, ये इस तरह इसका वेव फॉर्म बन रहा है, ये देख सकते हैं ये नॉर्मल है। IUGR जो है उसमें जो है इंक्रीज हो जाती है अम्बिलिकल आर्टरी रेजिस्टेंस, और जो डायस्टोलिक फ्लो है वो या एब्सेंट हो जाता है या रिवर्स हो जाता है। जैसे कि एबनॉर्मल वेव फॉर्म है, इसमें इसमें हमें डायस्टोलिक फ्लो जो है नहीं मिल रहा, इसमें जो है डायस्टोलिक फ्लो जो है वो एब्सेंट है। ये देख सकते हैं यहाँ पे डायस्टोलिक इसका जो है वो एब्सेंट है, ये सिर्फ सिस्टोल आ रहा है इसका, और यहाँ पे जो डायस्टोलिक फ्लो है वो रिवर्सल है, नीचे की तरफ बेस लाइन से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी जिसमें जो है एंड डायस्टोलिक फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है इसमें PI पल्सिटिलिटी इंडेक्स एंड RI रिजिस्टिव इंडेक्स जो है इस केस में के फीटल ब्रेन स्पेयरिंग के दौरान। ये नॉर्मल एंड डायस्टोलिक फ्लो है, ये इसका जो वेव फॉर्म बन रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है रिवर्सल फ्लो आ रहा है, ये बेस लाइन से इंक्रीज जो हो गया डायस्टोलिक फ्लो जो कि ब्रेन के जो है स्पेयरिंग के दौरान, तो ये जो है रिवर्सल फ्लो आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।